विशेष ऑपरेशन चलाकर मासूम को अपहर्ताओं के चंगुल से मात्र 12 घंटे के अंदर छुड़ाने वाले सुपर कॉप एसएसपी हेमराज मीना व उनकी टीम का मुरादाबाद नागरिक समाज ने माला पहनाकर और पौधा देकर स्वागत किया और उनकी हौसला अफजाई की। इस अवसर पर मुरादाबाद नागरिक समाज के कर्ता धर्ता एवं वरिष्ठ समाज सेवी सरदार गुरविंदर सिंह ने कहा कि यह मुरादाबाद का सौभाग्य है कि हेमराज मीणा जैसा कप्तान शहर को नसीब हुआ है, जिसके नाम से अपराधी खौफ खाते हैं। एसएसपी हेमराज मीणा ने कानून व्यवस्था को लेकर हर बार अपने आप को अलग अंदाज में साबित किया है। महानगर में अपराधियों के हौसले पस्त हैं, इसका पूरा श्रेय कप्तान और उनकी टीम को जाता है। ज्ञात हो कि शनिवार की शाम 6:30 बजे महानगर के बुद्धि विहार के सेक्टर 9B से 7 वर्षीय मासूम वैदिक गुप्ता का उसके घर के बाहर से उस समय अपहरण कर लिया गया था जब वह साइकिल चला रहा था। अपहर्ताओं ने फोन कर वैदिक के परिजनों से 40 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी थी, जिससे पुलिस विभाग के साथ महानगर में हड़कंप मच गया था। किंतु अपराधियों को अपनी ही शैली में जवाब देने वाले कप्तान हेमराज मीणा द्वारा वैदिक के परिजनों को ढाढ़स बंधाकर एसपी सिटी और सीओ सिटी के साथ 5 विशेष टीमों का गठन किया गया, साथ ही पूरे ऑपरेशन की कमान खुद संभाली गई। नतीजा, सवेरे होते होते दोनों अपहर्ताओं को बिलारी थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया और मासूम वैदिक को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। पुलिसिया सूत्रों के अनुसार पूरा ऑपरेशन कमांडो शैली में ऑपरेट किया गया। त्वरित गति से की गई कार्रवाई से मासूम की जान सकुशल बचाई जा सकी, अन्यथा अपहरणकर्ताओं में से एक बिल्कुल पड़ोस का होने के कारण मासूम वैदिक की जान को 100% खतरा था। कार्यक्रम में वरिष्ठ समाजसेवी सरदार गुरविंदर सिंह, सुभाष चंद्र गुप्ता, भूपेंद्र सिंह, मिर्जा इरशद बेग, संजीव कुमार, रवि टंडन, खान साहब, प्रिंस चौहान, विवेक, आदित्य, पंकज, नेहा, अब्दुल, मनोज आदि मौजूद रहे। आपने अभी समाचार पत्रों से पढ़ा होगा, उसके माध्यम से ज्ञात हुआ होगा कि वैदिक नाम के एक छोटे बच्चे को उनके पड़ोसियों ने ही षड्यंत्र करके अपहरण कर लिया था और उसकी फिरौती की मांग कर रहे थे 40 लाख रुपए की, क्योंकि वो पड़ोसी थे और बच्चे ने अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया था। अगर इसमें त्वरित क्विक एक्शन नहीं हुआ होता तो 100% उस बच्चे की जान जाती, क्योंकि वो उन्हें पहचान लेता, इसलिए वो पहचान छोड़ते नहीं। वो अपने पैसे के चक्कर में उससे फ़ोन कर आ रहे थे, लेकिन ये पुलिस का बहुत अच्छा एक्शन है। हम जरा सी भी पुलिस की कमी होती है तो तुरंत नारेबाजी करते हैं, तुरंत पुतले फूंकना, ये काम करना, वो काम करना, बुरा कहना लग जाते हैं। लेकिन कोई श्रेष्ठ कार्य, अच्छा कार्य, समाज के हित में बढ़िया काम है, आज इससे लोगों के मन में पुलिस के प्रति भावना अच्छी हुई है। और जो एक ऐसा लगने लगा था शायद जंगल राज आ रहा है, क्या हो रहा है कि बच्चे को छोटे से उठा के ले गए, वो बच्चा मेरा भी हो सकता है, कल को किसी और का भी हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पर उनका एक नागरिक अभिनंदन करने के लिए हम विभिन्न संस्थाओं को लेके हम यहाँ पर पहुँचे और उनका नागरिक अभिनंदन किया, जिससे कि इनको और इनके अधीनस्थ जो कर्मचारी, जो टीम लगी थी, जिन्होंने इतनी मेहनत करके 12 घंटे के अंदर अंदर रिकवर किया, तो उनका मनोबल बढ़ सके। इनकी मॉडल फ्रेंडली बहुत अच्छी है, काम करने का शैली बहुत अच्छी है। और जहाँ पर सोच ईमानदाराना होगी, कोई पक्षपातपूर्ण नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तो उसके अंदर रिकवरी 100% होती है। इनके कई कार्य ऐसे पहले भी किए हैं इन्होंने और अब भी कर रहे हैं, तो ये हमारे इनकी शुभकामनाएं हैं कि ये यहाँ रहें और यहाँ के जनपद की व्यवस्था को सही करें। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।